आप जितने भी बड़े व्लॉगर हो, जितने भी आप फेमस हो, जितना भी आप नॉर्मली कैमरे के सामने आते हो, जितने भी आपके कमाल हो कैमरे के सामने, लेकिन अगर आप किसी पीएसएल के मैच पे या कोई और क्रिकेट मैच पे स्टेडियम गए हुए हो और आप टीवी पे आ गए, सर उससे बेहतर कुछ नहीं है। दैट इज द बेस्ट, उसका कोई तोड़ नहीं है। क्या हाल है ब्रो? तो आज शारजा की लेग का आखिरी मैच है, कराची वर्सेस क्वेटा। और वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका भाई इस पीएसएल में न्यूट्रल जा रहा है, लेकिन यार कराची को हार हार के देख देख कर लिटरली दिल चाह रहा है थोड़ा सा, क्या कराची यार जीत ही जाए। अब क्रिकिन जिफ की मदद से हम शारजा स्टेडियम में एक नहीं, दो नहीं, तीन डिफरेंट जगहों से मैच देख सकते हैं। नंबर वन, शारजा स्टेडियम का मेंबर स्टैंड, जहां दुबई स्टेडियम में आप एज मीडिया किसी भी स्टैंड में जा सकते हो, शारजा स्टेडियम में आप खाली इस ही स्टैंड में आ सकते हो। नंबर टू, मीडिया बॉक्स, उमर अकमल भाईजान ने एक बॉल पे छक्का मारा, अगली बॉल पे आउट हो गया। एंड नंबर थ्री, बाय फार माई फेवरेट लोकेशन इन द स्टेडियम, इफ नॉट द एंटायर वर्ल्ड, द बाउंड्री। जब मुझे प्रॉपरली मैच देखना होता है तो मैं पूरे मैच में बाउंड्री पे सिर्फ वॉक करते रहता हूँ। नेक्स्ट लेवल मजा आता है यार, मतलब फॉर अ क्रिकेट फैन इट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं जब भी बाउंड्री पे वॉक कर रहा होता हूँ, हमेशा एक चीज होती है, हमेशा मैं जैसे ही वॉक करना शुरू होता हूँ, मुझे मेरे पीछे से आवाज देनी शुरू हो जाती है कि यार कैमरा मेरी तरफ करो, कैमरा मेरी तरफ करो। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हर बंदे का शौक है कैमरे में आने। जो लोग क्राउड में बैठे हुए होते हैं उनको लगता है कि मैं ऑफिशियल कैमरा वाला हूँ और मैं जो उनकी वीडियो बनाऊंगा वो टीवी पर चलेगी, और उनकी इस एक्साइटमेंट को देखकर मुझे अपने खुद के बचपन की एक्साइटमेंट याद आ जाती है यार। मतलब मैंने हमेशा चाहा है कि मैं किसी दिन किसी मैच पे टीवी पर आऊँ। मतलब आई थिंक हम सब क्रिकेट फैंस की ये ख्वाहिश होती ही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया। मैं कोई दो हफ्ते से पीएसएल में आया हूँ, मुझे पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया कि यार टीवी पे आने के लिए कुछ मेहनत करनी चाहिए, क्यों नहीं आया। खैर चलो, अब तो आ गया, बेटर लेट देन नेवर। तो भाई, शारजा स्टेडियम में आज की तारीख में आपका भाई ज़िंदगी में पहली बार टीवी पे आ रहा है, ये लिख के रख लो, आ रहा है। तो कैमरे पे आने का जो मेरा ख्वाब है, अगर तुम्हें वो पूरा करना है तो मुझे उसके लिए एक परफेक्ट बंदा मिला। खैर वो कैमरे वाला बंदा नहीं है, बट उसके पास जुगाड़ है आई थिंक कोई। आपका नाम? मेरा नाम इमरान असद, दुनिया वाले मुझे आई इमरान असद के नाम से जानते हैं। और आप मुझे बताइए कि उस कैमरे में आने के लिए मैं कैमरे में किस तरह आ सकता हूँ? खैर पता ही करते हैं। अच्छा, किसी को खाना ना, वो जो अभी पेप्सी कैचअप करोड़ आया था ना, हाँ। टीवी पे 50,000 बंदों ने बोर्ड पकड़े हुए थे, हाँ। और वो आर जो था ना वो मैं था। अब जितना मैंने इन दो हफ्तों में यहाँ पर सीन ऑब्जर्व करा है, मेरे हिसाब से पीएसएल के दौरान टीवी पर आने के दो से तीन तरीके हैं। एक तो भाई ये कि आप खुद ही कुछ बहुत क्रेजी कर रहे हो और मजबूरन कैमरा आपकी तरफ आ जाए। और भाया हम आया हूँ पिज़्ज़ा क्रश के गोले से, और ये जो है ये पीएसएलवा में हम ये ढूंढ रहा हूँ चैंपियन। या फिर दूसरा सिनेरियो जिसके अंदर कैमरा वाले खुद आपके पास आएंगे और किसी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको एग्जैक्टली बताएंगे आपने क्या करना है। उसके बाद फिर या तो आपने किसी शैम्पू के लिए ऐसे ऐसे करना है, या आपने कोई चाय पीनी है, या फिर आपने किसी सॉफ्ट ड्रिंक का बोर्ड उठाना है, या फिर आपने कोई टी शर्ट कैच करनी है, ऐसे ही कुछ करना है। तो मतलब यार ये ट्रैक है कि चलते हैं ऊपर, ऊपर वो जो लोग कैमरे पे ला रहे हैं लोगों को एडवर्टाइजमेंट के लिए, उन्हें जाके रिक्वेस्ट करते हैं, मैं करता हूँ, चले। चलो, कोशिश तो हम कर रहे हैं। कोशिश, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, कामयाबी नाकामी आपको पता है किसके हाथ। अब क्योंकि अगर हम दुबई में होते तो कैमरा जिस भी स्टैंड की तरफ पॉइंट कर रहा होता हम उस स्टैंड में चले जाते। आगे तो चलाना ना है तो काट देना।
लेकिन भाई ये शारजा है और यहाँ पे एज मीडिया आप खाली मेंबर स्टैंड में आ सकते हो, तो भाई अल्लाह करे स्टैंड में इस वक्त कैमरा हो, अल्लाह करे। किधर है? है कहीं कैमरा है? आपको कह रहा था, मैंने कहा था नवीद भाई वेलकम टू शारजा, ये आपके बहुत बड़े फैन हैं, फॉलोअर्स हैं, ये आपकी वीडियोस देखते हैं। कहीं कैमरा है? है या नहीं इधर कैमरा? अरे कैमरा वाला भाई इधर लाओ, इधर लाओ। अब आएंगे टीवी पे, अब तो आएंगे, अब तो टीवी पे पक्का आएंगे। अरे वो आ रहे टीवी पे और ये हो रहा है यहाँ। जो बंदा मुझे यहाँ पे लेके आया था वो खुद तो गायब है, पता नहीं कहाँ गया। कैमरा मैन भाई जम रही है, यहाँ जाके बैठ गया खुद। भाई हम पिछले 10 मिनट से यहाँ बैठे हैं, अभी तक कैमरा वाले यहाँ पे आए नहीं है, लेकिन 15 मिनट यार, 15 मिनट हम कर क्या रहे होंगे। देखो मेरा बचपन से ख्वाब है टीवी पे आना, लेकिन वो कैमरा ऊपर जा रहा है। अगर हम खाली यहाँ पे बैठे रहे ना और हम टीवी पे ना आए तो मैं तुम्हें जमाड़ मारूंगा। नहीं फिर हम ये व्लॉग कट कर देंगे, ये लगाएंगे तो सही। बेइज्जती भी नेचुरल चीज़ है यार। वो देखो जा रहे हैं, मैं बिठा के खुद कैमरा वाले जा रहे हैं। थैंक यू सर, बड़ा मज़ा आया आपके साथ यहाँ पे, एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था। नहीं आए टीवी पे, नहीं आए। कॉलर इंग्रम भाई ने आज कमाल कर दिया, 100 रन मार दिए और यहाँ पे लोग गॉन क्रेजी, देयर एब्सोल्युटली गॉन क्रेजी। आई वुड लाइक अ पिक्चर विद हिम एज़ वेल, बट रश बहुत है यहाँ। चलो अच्छा सीन हुआ है कि आज कराची फाइनली जीत गई। लेकिन अगर यार हम टीवी पर आ जाते तो मतलब कुछ और ही लेवल होता वो, मतलब उससे ज्यादा एक्साइटिंग चीज कुछ और हो नहीं सकती आज यार। मैच काफी अच्छा जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा एक्साइटिंग चीज अभी मुझे मेरे फोन में किसी ने सेंड की, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुझे अभी किसी ने पिक्चर सेंड की कि भाई आपका भाई जो है ना वो आया है कैमरे में। If you want success, if you really want success, then just do what you love, okay? Lekin. प्रॉपरली कैमरा में आ कर रहेंगे। दुबई आई एम कमिंग तख लिया।